हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम क्लास के अंदर कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर थ्रू रेफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ एक, और क्लास का नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट वन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। देन इसके बाद से इसके अंदर हम दो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते हैं, एक आईडी और एक नेम। नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग नेम। देन हम यहाँ पे एक और क्लास लेते हैं जिसके हेल्प से हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम दे देता हूँ टेस्ट स्टूडेंट टू, और यहाँ पे अपना मेन मेथड इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम आर्गूमेंट पास कर देते हैं अपने स्ट्रिंग टाइप के। तो हमारा यहाँ पे क्लास क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि जो ये स्टूडेंट वन है क्लास, इसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा क्लास का नेम। देन उसके बाद से ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ओबीजे दे देता हूँ। देन न्यू कीवर्ड, जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा, और यहाँ पे फिर से हमें स्टूडेंट यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इससे हमारा ये स्टूडेंट वन, सॉरी, इसको स्टूडेंट वन करेंगे ताकि ये क्लास आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये जो स्टूडेंट वन जो क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जो इसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है, जो आईडी और नेम है, इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बाय रेफरेंस कैसे हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑब्जेक्ट डॉट, देन यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का नेम, यानी कि अभी पहले हम इंस्टेंस को हम यहाँ पे अगर वैल्यू इनिशियलाइज करें तो आईडी, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रोवाइड कर देते हैं 100। तो यहाँ पे आईडी जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 100 वैल्यू पास हो गई। तो इसको हम कभी भी फेच करेंगे तो इसके अंदर से 100 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा जो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का जो नेम है, उसको हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ राणा। अब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो ये दो इंस्टेंस वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। आईडी के अंदर 100 आ गया और नेम के अंदर यहाँ पे राणा आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देन इसके अंदर जो हमारा पहला वेरिएबल था आईडी, तो हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको पूरा पूरा यहाँ पे पास कर देंगे तो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरा हमें करना है, सिंपल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपकी जो दूसरी इंस्टेंस वेरिएबल थी उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास का नेम दे देता हूँ टेस्ट स्टूडेंट टू डॉट जावा, ताकि जो मेन प्रोग्राम के, एक्चुअली यहाँ पे जो उसी हम क्लास का नाम देते हैं जिसके अंदर मेन मेथड कंटेन होता है। अगर हम किसी और क्लास को अगर कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे फिर एरर आ जाएगा कि मेथड नॉट फाउंड समथिंग करके। तो इसके लिए आप जिस क्लास के अंदर अपने मेन मेथड को रखते हैं उसी मेथड का नाम यहाँ पे देना होता है। तो इसके बाद से हम इसको सेव करते हैं एंड इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर फाइल वो बन चुकी होगी टेस्ट स्टूडेंट टू। अब इसको हम कमांड लाइन से रन करते हैं, यहाँ पे कमांड ओपन कर दिया मैंने। इसके बाद से आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जावा सी कंपाइल करने के लिए टेस्ट स्टूडेंट टू डॉट जावा, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं, तो जावा और उसके बाद से टेस्ट स्टूडेंट टू, तो इस तरीके से देख लीजिए, ये जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे इस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे आईडी और नेम, उनकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है 100, और उसके बाद नेम वेरिएबल के अंदर था नेम राणा, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं थ्रू रेफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।